ग्राम ओमकार में रंगपंचमी पर्व पर खंडेराव बाबा का मेला आयोजित होता है। शाम करीब 4 बजे विधायक आशीष शर्मा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने साथियों के साथ रवाना हुए। रास्ते में हतलाए कतलाए के जंगल में आग लगते हुए देखे उन्होंने फौरन गाड़ी रोककर अपने साथियों के साथ काफी देर तक आग बुझाने का काम किया तथा अधिकारियों को सूचना दी। जंगल में लग रही आग को लेकर विधायक ने चिंता जताते हुए नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे जंगल के किनारे जलती हुई बीड़ी ना फेंके। साथ ही महुआ बीनने वाले ग्रामीणों से भी अनुरोध किया है कि जंगल में महुआ बीनते समय वृक्ष के आसपास आग न जलाएं, क्योंकि आग जलाने से जंगल नष्ट हो रहे हैं जो हमारी धरोहर है। हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। पर्यावरण के लिए वन है तो हम हैं। यह संदेश ध्यान में रखते हुए हमें जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिए। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। इस तरह ये कटी हुई लकड़ियाँ भी यहाँ से उठा के ले जाई जाएगी। बहुत बेशकीमती इमारती लकड़ी के जंगल में ये आग लग रही है और बहुत बड़े पैमाने पर क्षेत्र के जंगलों में आग लगी हुई है। वन विभाग को और हम सब लोगों को ये चाहिए कि ये वन हमारी धरोहर हैं, प्रकृति की, इसको बचाने के लिए अपने स्तर पर भी हम लोग प्रयास करें। और महुए का जो लोग व्यापार करते हैं, जो हमारे ग्रामीण जन महुए जो गिरते हैं उसको बीनने का काम करते हैं, उनसे भी मेरा बहुत करबद्ध निवेदन है कि आप महुए के पेड़ के नीचे किसी प्रकार की भी साफ सफाई करने के लिए आग न लगाएं। वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है और देखिए कितना अच्छा समृद्ध जो हमारा वन है वो इस आग की भेंट चढ़ रहा है। ये एक पेड़ लगभग 20 से 25 साल में इतना बड़ा होता है और आज उसकी आप दुर्दशा देख रहे हो, किस तरह वो जल रही है लकड़ी। एक हिस्सा लेके हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।